22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्सलियों को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात कर रहे हैं हम चुनाव की। चुनाव को लेकर 12 राज्यों के 117 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाताओं के हाथ में उम्मीदवारों का फैसला तय हो गया है। किस मतदान क्षेत्र में कितने वोट पड़े हैं, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। फिर फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं कुछ अभी तक की कुछ प्रमुख खबरें। 117 सीटों पर वोटिंग जारी है। 12 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदाताओं के हाथों में उम्मीदवारों का फैसला। महाराष्ट्र में 19 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। महाराष्ट्र में 19 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। मुंबई की 6 अहम सीटों पर फैसला मतदाताओं के हाथ। फिल्म सितारे भी पहुंचे बूथ पर। वाराणसी से पर्चा भरने पहुंचे नरेंद्र मोदी। नामांकन से पहले किया रोड शो। मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं। साथ ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का आज 41वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे सचिन तेंदुलकर। ये थी कुछ अब तक की सुर्खियां। हम बताते चलें कि 3 बज चुके हैं और चुनाव के प्रतिशत को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि मुंबई में धीमा मतदान हो रहा है। इस धीमे मतदान का कारण क्या है, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन सुबह से जब से 7 बजे से मतदान चल रहा है, तब से हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं कि हम मतदान कर चुके हैं। क्या आपने किया मतदान? आप मतदान करें, वरना 5 साल तक अपने चुने हुए प्रतिनिधि पर उंगलियां उठाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा। निकलिए, मतदान कीजिए। आप जिस किसी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, आप जिस किसी विचारधारा को मानते हो, आप जिस किसी पार्टी से प्रेम करते हो, जिस किसी उम्मीदवार से आपका लगाव हो, निकलें, वोट करें। वोटों का परसेंट क्या होगा ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, लेकिन वोटों का रुझान ये तय करेगा, देश का भविष्य तय करेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि 5 वर्षों में केवल 3 मौके आते हैं जब आपको वोट देने निकलना होता है। एक लोकसभा के चुनाव में, दूसरे विधानसभा के चुनाव में और तीसरी बार स्थानीय निकाय के चुनाव में। और तीनों बार जब भी आप निकलते हैं अपने पसंदीदा पार्टी को या अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए निकलते हैं, इन 3 बार तो निकलिए। ये हमारी अपील है, लेमन न्यूज की तरफ से अपील है आपको। तीनों बार निकलने के लिए लगातार हम आपको ये बताते जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की। हम मुंबई की बात कर लेते हैं। जो अब तक के आंकड़े हम तक पहुंचे हैं उसमें नॉर्थ मुंबई में अब तक 29.14% वोटिंग हुई है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मुंबई से जहां कांटे की टक्कर है संजय निरुपम और गोपाल शेट्टी के बीच, नॉर्थ वेस्ट 25.7% जहां पर मुकाबला बड़ा रोचक है। गुरुदास कामत, गजानन कीर्तिकर और त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में वहां पर हैं महेश मांजरेकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। नॉर्थ ईस्ट 26.5%, जिसे ईशान्य मुंबई भी कहा जाता है, और वहां पर संजय पाटिल का मुकाबला है किरीट सुमैया से, पूर्व सांसद किरीट सुमैया, और वहां भी बड़ा ही रोचक हो गया है मेधा पाटकर के चुनाव लड़ने से। आप नॉर्थ सेंट्रल
प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। दो दिग्गज सुनील दत्त और प्रमोद महाजन की बेटियां वहां से चुनाव लड़ रही हैं। सांसद प्रिया दत्त का मुकाबला पूनम महाजन से है। हालांकि त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं अबू फरहान आजमी समाजवादी पार्टी से। वो भी एक नेता पुत्र हैं, यानी वो सीट कुछ इस तरह की हो गई है कि तीनों उम्मीदवारों के पिता राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। साउथ मुंबई 22.3%। साउथ मुंबई में मिलिंद देवरा का मुकाबला अरविंद सावंत से है और त्रिकोणीय बना रहे हैं उस पूरे मुकाबले को बाड़ा नंदगांवकर महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से। आपकी मीरा सान्याल भी वहाँ उम्मीदवार हैं। साउथ सेंट्रल 27% अब तक की वोटिंग हुई है, जहाँ से एकनाथ गायकवाड़, राहुल शेवाले और आदित्य शिरोडकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हैं। थाने में 19.65 और कल्याण में 23.60। ये अब तक के कुछ प्राप्त आंकड़े हैं। हम चुनाव के अभी तक के धीमे मतदान को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में और मुंबई जैसे शहर के आसपास इस तरह का धीमा मतदान चिंता का विषय है। और अब भी हमारे अपने सभी दर्शकों से और दर्शकों को जानने वालों से हमारा ये आह्वान है कि वो निकलें और वोट करें, वरना 5 साल तक फिर किसी को कोसने का अधिकार आपको नहीं होगा। इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके पास वक्त है, 6 बजे तक का वक्त है, आप निकलें। इस चर्चा में हमारे साथ जिन अतिथियों ने हिस्सा लिया है, फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जावेद खान, पूर्व मंत्री हैं महाराष्ट्र राज्य के, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं। जावेद खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरजीत मिश्र जी, अमरजीत मिश्र भारतीय जनता पार्टी के मुंबई इकाई के महासचिव, अमरजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इब्राहिम शेख उर्फ भाईजान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इब्राहिम भाईजान। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व उप महापौर अरुण देव जी भारतीय जनता पार्टी के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमुख रूप से दो पार्टियां देश की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों प्रमुख पार्टियों के बहुत ही प्रमुख और जानदार व्यक्तित्वों को हमने बुलाया है, आपके बीच ले आए हैं। चर्चा इस बात पर करते हैं, जावेद खान साहब आप अनुभवी हैं, आप खुद चुनाव लड़े हैं, आप मंत्री रहे हैं, मुंबई जैसे शहर में मैंने जब हम पिछला कार्यक्रम कर रहे थे, अन्य अतिथियों के पत्रकारों के साथ थे, हमने बात कही थी कि जितना हंगामा बरपा हुआ था सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, ये लगा था कि परसेंटेज तो 70-80% तक चला जाएगा। ये कौन सी क्रांति है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर थम गई है, मतदान केंद्रों तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं, बड़ी धीमी गति से मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? दरअसल मुंबई शहर जो है पढ़े लिखे लोगों का शहर है, बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, हालांकि मजदूर भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, मगर सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोग बहुत हैं। इसकी वजह से ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, मगर वोट का परसेंटेज जो कम हो रहा है, वैसे भी हमेशा कभी भी 50% से ऊपर हार्डली कभी गया होगा, मगर अब की बार ये ज़रूर उम्मीद थी कि थोड़ा सा बेहतर परसेंटेज होगी, मगर अब तक हो तो नहीं पाई है। देखिए 6 बजे तक क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर मजदूर हैं, सुबह निकल करके अपना काम धाम कर करके जब ख़त्म कर लेते हैं तब उसके बाद वो जाते हैं। इसके लिए शायद थोड़ा धीमी होगी परसेंटेज, मगर हमें लगता है कि 6 बजे तक इम्प्रूव हो जाएगी, वोटों का परसेंट बढ़ेगा। अमरजीत जी, आपको लगता है कि अब जितनी धीमी गति से मतदान हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों पर फिट बैठेगा अगर वोटों का परसेंट कम रहा तो? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि जो प्रतिबद्ध मतदाता है जी, जो वास्तव में इस व्यवस्था से ऊब गया है, वो किसी भी तौर पे निकलने के लिए मनस्थिति में है और वही मनस्थिति में लोग निकले हैं। मैं मुंबई शहर के बारे में इसलिए आपको बता दूं कि मुंबई शहर में आज जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी छुट्टियां नहीं है, इसलिए वो कंपनियां चालू हैं और इसकी वजह से भी परसेंटेज कम है। आप पास में ही रायगढ़ देख लें, जहां 34% अभी मतदान हो चुका है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों को मिलाकर रायगढ़ बना हुआ है। नंदुरबार में देख लीजिए कि वहां भी परसेंटेज अच्छा खासा हुआ है। मुंबई की स्थिति इसलिए क्योंकि मुंबई में अमूमन शहरी इलाके हैं और गर्मी बहुत पड़ती है, सुविधाभोगी लोग भी हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा निकलने में देर कर दिया। दूसरी एक प्रमुख कारण आपको बता दूं
कि अभी भी जिस धीमी गति से सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अभी भी मतदान केंद्रों में आप भारी भीड़ देख सकते हैं। मैं सुबह मतदान करने गया तो वहां पर मुझे भारी संख्या में लोग खड़े दिखाई पड़े बाहर, और मुंबई शहर का नागरिक वो बहुत देर तक किसी लाइन में खड़ा नहीं होता, तो उसके भाई बंद जो जाते हैं, आस पड़ोस के लोग जाते हैं, उनसे वो पूछता है कि क्या लाइन ज्यादा है, वो बोले लाइन ज्यादा है तो ठीक है शाम के वक्त जाएंगे। यानी शाम के वक्त ही भीड़ भाड़ ज्यादा, ऐसा लगता है कि शाम के वक्त वो बिल्कुल उस तरह का मामला हुआ, निकाह के बाद एक साथ सब टूट पड़ते हैं भोजन के लिए, ऐसी स्थिति हो जाती है जब हॉल में। भाईजान क्या ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि एक साथ फिर लगेगा और फिर 6 बजे के बाद अगर बंद कर दिया जाएगा, कहीं सख्ती होगी तो ये होगा कि हमें मताधिकार से महरूम रखा गया, ऐसी स्थिति बनने की नौबत नहीं आ जाएगी? मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है, मैं समझता हूँ जो एसी में रहने वाले लोग हैं वो वोटिंग के लिए उतरना नहीं चाहते, और जो झोपड़पट्टी के जो लोग है गरीब वर्ग के लोग जी वो बराबर आके अपना वोट डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वोट डालने से जो कांग्रेस पार्टी ने आज तक के जो काम किया है मुंबई शहर में महाराष्ट्र में, उस हिसाब से जो घोषणा पत्र जो डिक्लेयर किया गया है, मैं समझता हूँ कि मुंबई शहर की जनता जो सही मतदाता है वो निकल के अपना वोट देने का, यानी जिन्होंने तय कर रखा है वो निकले हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिन्होंने तय कर रखा है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुने हुए प्रतिनिधि जिन्हें उन्हें चुनना है जिस भी पार्टी से वो निकल रहे हैं। कुछ लोग जो बैठकर सिर्फ व्हाट्सएप ट्विटर और फेसबुक पर सिर्फ एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां करते रहते थे, ऐसे लोग अभी कम निकले हैं, शायद उनमें ये जागरूकता आए और वो निकलें और वोट देने के लिए जाएं। मतदान केंद्रों पर जाकर अपनी तकदीर का फैसला करना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप निकलें, इस मुश्किल काम को करें, यह हमारी राय है अपने दर्शकों से। हमारे साथ अरुण देव जी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर रहे हैं शहर के, मुंबई के। अरुण देव जी बोले बोले, आप चुनाव लड़ चुके हैं, स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा है, आप उप महापौर रहे हैं, ये धीमे वोटिंग का माजरा क्या है मुंबई में? अमरजीत भाई जिस तरह से बता रहे हैं मुंबई के शहरों में आराम पसंद लोग हैं, लोग शहरों से घरों से निकलना नहीं चाहते, कुछ दफ्तरों में जिन जो लोग दफ्तर में है उसका कुछ इस तरह का खाका है कि उन्हें छुट्टियां नहीं है, कुछ दफ्तरों से हमें ये ज्ञात हुआ है कि उन्हें 2 घंटे की पहले फेस में। और सलमान भाई मुझे क्या लगता है कि मुंबई शहर सिर्फ आराम पसंद अमीरों का शहर नहीं है, जैसे मुझे मैंने बताया कि जूस की में लोग निकले हैं, उसी प्रकार से हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नेहरू नगर के लोग भी निकल रहे हैं जी। एक तो ऐसा है कि यहाँ जैसा आज छुट्टी है लेकिन प्राइवेट कंपनीज को छुट्टी वगैरह नहीं है, तो इसके कारण लोग समय पर निकलेंगे, और मुंबई का हमेशा 40% 41% होता है, ये बार का क्योंकि सोशल मीडिया ने अनेक एनजीओज ने सब लोगों ने मिलकर वोट करो ये जो अभियान चलाया, वोटर्स रजिस्टर करवाए। अच्छा दूसरी बात इसमें ऐसी पता चली है कि पूरे महाराष्ट्र में 5 लाख के ऊपर लोगों के नाम ही नहीं है, जैसे आज सुबह आया वंदना कुलकर्णी का नहीं है, एक्टर अतुल कुलकर्णी का नहीं है, 5% से भी ज़्यादा, तो इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबल ही नहीं है इसी को प्रॉपरली। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 6 बजे तक समय है, और जो लाइन में खड़ा होता है उसको जब तक वोट पूरा नहीं होता तब तक किया जाता है, फिर 7 बजे 7:30 बजे, तो मुझे लगता है कि ये बार मुंबई में 60% के ऊपर होगा। चलिए उम्मीद आपकी जानी चाहिए कि 60% से ऊपर मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान, और उसमें सब प्रकार के, क्योंकि मुंबई में 66% लोग झुग्गियों में रहते हैं जी। अरुण देव जी, चुनाव आयोग के ऊपर हम लोग जिस तरह से टीका टिप्पणियां कर ले रहे हैं और करनी भी चाहिए, दूसरी जी भैजन आता है आपके पास, एक चक्कर ये है कि महीने 1.5 महीने से ही एक पूरे के पूरी व्यवस्था काम कर रही थी, ये बताने के लिए उसके पास मैसेजेस जा रहे थे, अखबारों में दिया जा रहा था, चैनल्स पर आ रहा था, सोशल मीडिया कह रहा था कि आप चुनाव आयोग की साइट पर जाएं, आप चेक करें आपका नाम आया है या नहीं, आप उसमें करेक्शन करवाएं, नाम नहीं आया तो जुड़वाएं, कहीं आप में गलतियाँ हुई हैं उसे सुधारें, लेकिन ऐन चुनाव के दिन वहां पहुंचकर हंगामा करना ये भी ठीक नहीं है, थोड़ी सी जागरूकता मतदाताओं को भी लानी होगी, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के
कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी कमियां उजागर होती हैं कि ये भी अपने लोगों तक पहुंचने में नाकाम रहे। जी इब्राहिम भाई, आप कुछ कह रहे हैं? ये बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे भाई ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों की बात है, तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने जो इलेक्शन के पहले जो 2000 के लोगों को भी पात्र करना है और ट्रांसपोर्ट की जो स्कीम लाना है सलम की, तो वो महाराष्ट्र शासन ने करने का काम किया। इसलिए झोपड़पट्टी के जो लोग हैं सलम के लोग, ये समझ रहे अच्छी तरीके से कि हमको वोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की तरफ देखा है, उनकी दुख दर्द को समझा है। और घोषणा पत्र में भी आप देख लीजिए, जैसे कि घोषणा पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर की है उसमें इतना बड़ा एक अधिकार दिया है कि जो शख्स 20 साल झोपड़े में रह जाएगा उसको ओनरशिप का वो झोपड़ी का मालिक हो जाएगा। यानी जी 2000 तक मान्यता देने के आधार पर लगता है कि झोपड़पट्टी के लोग जो स्लम्स में रहते हैं जी, वो अपने झोपड़ों को अपने घरों को बचाए रखने के लिए और कांग्रेस के उस घोषणा पत्र के समर्थन में मतदान करेंगे। वो इसलिए करेंगे सलमान भाई जी, कि जब जब 2000 को पात्र करने की बात आई और ट्रांसफर करने की, जब भी विधान भवन में प्रस्ताव रखा गया तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करने का काम किया जी, जी ना कि उसको समर्थन देने का काम किया जी। अमरजीत भाई कुछ कह रहे थे? कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस बार वही हो जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अक्सर कांग्रेस प्रिंटिंग मिस्टेक के नाम पर कभी कभी गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, लेकिन आम आदमी इसी में फंसता है बेचारा, क्या करे। लेकिन सरकार किसी भी तरह की अगर वादा करती है, उस वादे में अगर जनता आती है, तो मैं आप बात कर आप जब बात कर रहे थे तो मैं बीच में मैं आप जब बता रहे थे आप जब बता रहे थे हाजी साहब, तो मैं शांति से दिखाने का काम हो रहा है, अभी 3 घंटे में दूध का और एक हवा दिखाने का काम कर रहा है, वो हवा दिखाने का काम 2000 देश की जनता अच्छी तरीके से जान रही है और समझ रही है और देख रही है में भी हो रहा है कि कौन सी पार्टी सक्षम है लोगों को न्याय देने में गरीब करने में कोई चर्चा कर रही है। आप गुमराह करने का लोगों को काम नहीं कर रहे, आपने जो दिख रहा है वो आप बताए बस्तियों के जवाब देते मुझे कि झुग्गी बस्ती के बारे में एयरपोर्ट के मामले में आपके क्या विचार है। एयरपोर्ट पे जो झुग्गी बस्तियां हटाई गई हैं वो कितने किलोमीटर की दूरी पर रखी जाए आप मुझे? अरे कहीं भी रखी गई, अगर वो क्या नियम सरकार के, अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई विकास का काम अगर कांग्रेस कर रही है तो उनको घर से बेघर तो नहीं कर रही है, घर तो दे ही रही है ना, कहां दे रही है, भले डिस्टेंस में दे रही है ना, उसे उठा के मानखुर ये कोई बात थोड़ी है। यहाँ बिल्डरों को उठा के विकास की बात है, देश की विकास की बात, होटल बनवाना चाहते हैं, स्टेट की विकास की बात, 5 सितारा होटल बनने की परमिशन देंगे और सामान्य आदमी के लिए ऐसा की बिल्डिंग बना इब्राहिम भाई ने कहा कि स्लम्स के जो लोग हैं 2014 तक के झोपड़ों को मान्यता देने का जो धोरण और जो घोषणा पत्र में निर्णय लिया गया है, 2000 तक के लोगों को पात्र किया गया है, उस आधार पर जो स्लम्स की वोटिंग अब तक नजर आई है, स्लम्स के जो लोग अमूमन निकलते ही हैं, तो क्या उस पर आप सहमत है कि वो सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के लिए निकले होंगे? जी, जो जनता का विकास करता है जनता उसी को अपनाने का काम करती है। जी, में झोपड़े का जीआर 2014 में जो सरकार ने यदि पास किया हो, जैसा यदि क्या किया है, फिर आप कहां हैं? इब्राहिम शेख जैसा मुंबई में है, महाराष्ट्र में, अगर पास किया है तो आज की तारीख में भी एसआरए के दफ्तर में वो जीआर पहुंचा नहीं है, किसी भी 2000 तक के झोपड़े पास नहीं किए जा रहे हैं। जी, जी, ये बरगलाने की राजनीति सतत इनकी चलती है। अमरजीत भाई, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अरुण देव जी से। अरुण देव जी, ये पूरा व्यवस्था क्या लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दे मायने रखेंगे? नहीं मित्रों, ऐसा है सलमान भाई जी, कांग्रेस ने 2 साल पहले यूपीए ने स्लमलेस इंडिया की बात की थी, यानी उसमें डेटम लाइन का सवाल नहीं आता, ये 95 या 2000 जी, यानी झोपड़ी मुक्त बात की थी, रोटी
कपड़ा मकान ये बेसिक अधिकार है आदमी का, 60 सालों में जो लोग दे नहीं पाए तो घोषणा पत्र में देने से थोड़ी उसको मिल जाएगा। लोगों का विश्वास इस बातों से उड़ गया है, लोग परेशान है। मुंबई में इतनी सलम की स्कीमें चली है, लोग झोपड़े में बिल्डिंगों में बसाने का काम हो रहा है। सलमान भाई जी जी जी, मैंने हमारी सलमान भाई जब एक बेडरूम बनाने का काम किया, हमारा शासन ने किया जी जी। मैंने सलमान भाई यूथी की सरकार थी 15 साल पहले, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की, हमने ऐसा स्कीम लाई। उस समय बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था हम 10 लाख मकान 40 लाख लोगों को बनाएंगे, अभी तक लाख मकान भी ये बनाए नहीं। आप लोगों का काम था ना 5 साल के काल में, स्कीम भ्रष्टाचार में फंसी है। आपसे ज्यादा ही किया है, हाउसिंग मिनिस्टर जावेद खान साहब, हाउसिंग मिनिस्टर रह चुके हैं, इस तरह के बदले शॉपिंग मॉल बना दिए स्कीम ने, लूट मचा दी। अरुण जी बात करते हैं, हाउसिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, अन्य कई विभाग देख चुके हैं प्रोफेसर जावेद खान साहब। खान साहब, ऐसे मौक़ों पर लोकसभा के जब चुनाव हो रहे हों, मतदाता अभी भी सांसद से उम्मीद करता है कि वो उसके आसपास के नालियों को और उनके गटर को और उनके यहाँ शौचालयों का निर्माण करवाए, साफ सफाई करवाए, वो मिलता नहीं है, बड़ा उसका ये मामला होता है, अपने सांसदों से नाराजगी का जब कारण बताता है तो ये सब कारण भी बताता है। झोपड़ों में स्लम्स को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, स्लम्स को रेगुलर नहीं किया जा रहा है, स्लम्स के रिपेयरिंग का मसला आता है, उनके जब भी वो रिपेयर करते हैं तब बीएमसी के अधिकारी और माढ़ा के अधिकारी पहुँच जाते हैं। ऐसी स्थितियों में जब चुनाव हो रहा हो तो मुंबई शहर का मतदाता, मुंबई शहर के आसपास, मुंबई मेट्रोपोलिटन सिटी का और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का मतदाता क्या ऐसे मुद्दों पर चुनाव देता है, और जब देता है तो क्या अगर ये सुविधाएं उसको नहीं मिल रही होती हैं तो उसके विरोध में भी उसी गुस्से से निकल कर वोट देता है? गरीब आदमी जो झोपड़ों में रहता है, सच्ची बात तो ये है कि उसकी ज़िंदगी इसी में है कि उसको बिजली, पानी, गटर, संडास, रास्ते, ये सारी चीज़ें मैसर हों, और ये इसका काम है स्टेट गवर्नमेंट का काम देने का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे कोई खास वास्ता नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के सिलसिले में ये बहुत तो मैटर नहीं करना चाहिए, मगर जो झोपड़ों में आदमी रहता है उसकी लिमिटेड मुश्किलात हैं। हाँ, अवेलेबिलिटी एमपी की ज़रूर लोग चाहते हैं, क्योंकि राशन कार्ड की समस्याएं हैं, कभी म्यूनसिपैलिटी की समस्याएं होती हैं, कभी पुलिस की कहीं कहीं ज़्यादती आती है तो लोग एमपी को याद करते हैं। अभी कई स्तर पर ये काम होता है, कॉरपोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, एमपी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए जो काम होने हैं लोगों को उससे उम्मीद रहती है, और फिर जो एमपी का इलेक्शन होता है उसमें भी लोगों को सच्ची बात है कि उम्मीद रहती है कि अगर नीचे का आदमी काम नहीं करता, कॉरपोरेटर है किसी वजह से काम नहीं करता, एमपी है काम नहीं करता, तो फिर लोग जाएंगे कहां? अच्छा, उसके बाद का जो इलेक्शन होता है वो गुस्सा शायद वही निकालता है। हाँ, वही निकालते हैं, जो भी इलेक्शन हो रहा हो पिछले कार्यकाल में जिसने जो ना किया हो वो गुस्सा उस पर निकालता है, काम जो कुछ हुआ हो उसे थोड़ा सा दरकिनार करता है। दूसरी बात है, जिस तरह के चुनाव हुए, एक मिनट आपको इसमें दुरुस्त कर दूं जी जी, कि आम आदमी की जो मेमोरी है जी वो इतनी शॉर्ट है कि वो तकलीफों को झेलने की आप कह लें उसको ताकत ज्यादा है, उसकी क्षमता ज्यादा है जी जी। और इसलिए वो भूल जाता है कि आज भी हाजी इब्राहिम शेख के घर से बमुश्किल 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर दौलत नगर बसता है। वो दौलत नगर के लोग 10 साल से आज भी ज्यादा संख्या में बाहर रह रहे हैं, और उनको उनका घर भी नहीं, अभी वो एक गार्डन की जमीन पर उनको शिफ्ट किया गया था, वहां से भी हकाल दिया गया, आज भी वो घर नहीं पा सके, उनकी लड़ाई। और आज जब मतदान होगा तो सरकार इसी तरह के 2000-2005 तक की डाटम लाइन जो लाते हैं वो डाटम लाइन जो लाते हैं तो सरकार सामान्य आदमी भूल जाता है, वो सोचता है कि 2005 तक के लोगों को पात्र किया जाए। मैं कहता हूँ दौलत नगर के लोग आज भी बाहर रहते हैं कि नहीं, दौलत नगर के लोग आज भी बाहर रहते हैं कि नहीं? 2000 में बैठते थे
उनको अपात्र करने का काम किया गया सलमान भाई। मैं आपसे बताता चलो, मुंबई में कई ऐसे सलाम है जहाँ 2000 के लोगों के एविडेंस थे, इसीलिए सरकार पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहा चराग मयसर नहीं शहर के लिए। अब 1995 के नहीं दे रहे हैं, 2000 की बात क्या कर रहे हैं, 1995 की बात विकास की बात में आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप सलमान भाई इन्होंने क्या कहा कि दौलत नगर की बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनने की क्षमता तो रखिए कम से कम। बताइए साहब, मैं यही बोल रहा हूँ, चली गई जो बेचारे बेघर हो गए। मुंबई के अंदर ऐसे कई स्लम पॉकेट है जहाँ 2000 के लोग, 2000 के एविडेंस लोगों के पास थे जो हमारा शासन में बैठते नहीं थे, 1195 के बैठे थे, इसलिए उनको अपात्र किया गया। पूरे मुंबई के लोगों की मांग थी महाराष्ट्र शासन से, जो महाराष्ट्र में नेतृत्व करने का काम करती है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो जनता के बीच में रहती है। जनता एक मिनट, मेरी पूरी बात तो नहीं दीजिए आप, मेरी पूरी बात तो झोपड़े मेरी, अरे पात्र हैं उनको आज तक जगह, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात तो पूरी होगी अमरजीत भाई, तो क्या वो वोट देने के लिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, इनके सेंटेंस को मैं पूरा करूँ। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन लोगों ने महाराष्ट्र शासन से मांग की, कई एमएलए हमारे, कई मिनिस्टर लोग के पास, यहाँ तक दिल्ली तक के ये प्रस्ताव भेजा गया। उसके बाद में महाराष्ट्र शासन ने एक डिसीजन लिया पृथ्वीराज चौहान साहब ने कि 2000 लोगों को भी पात्र करना है, 2000 तक के लोगों को पात्र किया गया है, ये एक घोषणा पत्र में दिया गया है। इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है क्या इब्राहिम शेख सर? जी हाँ, जीआर भी उसका आ गया है, और जो ट्रांसफर की जो स्कीम है, जो कोई रूम किसी का होता है और ट्रांसफर नहीं होता 10 साल तक के, वो तो भी ये, जो फीस होगी, ये योजना शुरू हो चुकी है संबंधित विभाग तक आते थे 5 साल। ये चलिए चलिए, ये एक मुद्दा हुआ, ये एक लोकल मुद्दा हुआ जिस पर ये जैसा बोल रहे 2000 के लोगों को वो ये बताया विकास का फॉर्मूला, और उसके अंदर विरोध करने का काम इन लोगों ने ही किया है, विकास भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोगों ने किया। 2000 तक के लोगों का विरोध नहीं किया तो हम तो कह रहे हैं कि आज तक के झोपड़े, अगर आज मुंबई में रहते हो, मुंबई के आज तक के झोपड़े अगर आपके विधान भवन होता है, आपके कार्यकाल में बने हुए झोपड़ों को सबको आप रेगुलराइज करिए, ये एक एक सभी को करेंगे, जो चीजों को लेकर उसको करने के लिए वो लिया। बात बात करते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक आप ही ने बताया था, मैं दोनों को इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक ही मुद्दा है, सिर्फ स्लम ही एक मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। सलमान भाई, अहम मुद्दा है जी, मैं समझ रहा हूँ, एक एक मुद्दा है, इस एक मुद्दे पर कोई एक लोकसभा सीट लड़ी जा रही होगी, इससे लेकर 6 लोकसभा सीट, 2000 के लोगों को विरोध भी करना, समर्थन भी देने का काम कर दिया, तरीका ये एक मुद्दा हुआ। इसके अलावा जो जिन मुद्दों पर मतदाता वोट देने निकलेंगे, वो शिक्षा का है, वो बेरोजगारी का है, वो सड़क की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, वो ऐसी समस्याएं हैं जिससे सीधा सीधा सभी का सामना होना है। वो एक भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रणीत नेताओं ने एक विकास का और एक गुजरात मॉडल का या फिर इस तरह का एक प्रावधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया। दूसरी तरफ कई खाकों में, कई हिस्सों में अलग अलग नेताओं के साथ जुड़कर कांग्रेस अपनी सरकार को, अपने सरकार के किए गए काम को लेकर जनता के बीच जा रही है। जब मुकाबला ऐसी स्थिति होगी तो कुछ चीज़ें गौण हो जाएंगी, कुछ व्यक्ति आधारित हो जाएंगी, और कुछ व्यक्ति के किए गए काम और उसके किए गए, उसके द्वारा की गई नाकामियां, जब इस पर चुनाव होंगे जावेद खान साहब, तो आपको लग रहा है कि इतनी चीज़ों को परखने के बाद जिस धीमी गति से मतदान जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है? दरअसल इश्यूज तो हैं लोगों के सामने, और मैं नहीं समझता, मैं तो देव साहब के इस स्टेटमेंट से मैं इत्तेफाक है मुझे कि शाम तक लोग आएंगे अपना काम धंधा से या नौकरी चाकरी से छोड़ करके, और फिर 6 बजे के पहले लाइन में खड़े हो जाएंगे, तो जब तक कि वो लाइन का हर आदमी वोट ना दे दे तब तक मतदान चलता रहेगा। इसलिए मतदान तो पिछले सालों से ज़्यादा जाएगा, और इश्यूज़ जो हैं वो हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, काम के इश्यूज़ हैं लोगों के, और ज़िंदगी के ही इश्यूज़ हैं, समझिए, खाली डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इश्यूज़ की कमी नहीं है। उन इशू को तलाशना, उन इश्यूज़ पर निकल कर वोट देना, ये दूसरी बात है। वरना उंगलियाँ उठाने को बहुत आसान है किसी भी दल पर, किसी भी नेता पर, किसी भी सरकार पर।
हम बात को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर जावेद खान, अमरजीत मिश्र, इब्राहिम शेख, हाजी इब्राहिम शेख भाईजान और अरुण देव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जो वोटिंग है ये बंपर माना जाए, मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत डांगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन फ्रांस टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सब की खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्सल्स को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का एक सत्र तो बिल्कुल स्लम्स के डेवलपमेंट जीआर निकला नहीं निकला और उसे कितनी मान्यता मिल रही है इस पर चला गया। बात हम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, लोकसभा के चुनाव में रक्षा, आपकी रक्षा नीति क्या होगी, आपकी विदेश नीति क्या होगी, आपके गृह नीति क्या होगी, इंटरनल किस तरह की सरकारें चलेंगी, आपकी वित्त नीति क्या होगी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे तय होने हैं। एक खाका कांग्रेस ने अपनी तरह से पेश किया हुआ है, दूसरा खाका नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने रखा हुआ है। जिस तरह की खबरें आती हैं, जिस तरह से अपने आप को प्रचार प्रसार करके चर्चा में लाया जाता है, इस देश की दो बड़ी ताकतें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने आप को झोंक रखा है तीसरी शक्ति के रूप में, अपने आप को साबित करने के लिए लगे रहे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल उसी तरह की सोशल मीडिया और मीडिया के देन के रूप में सामने आए और बहुत तेज़ी से सरकार भी बनाई दिल्ली में और दिल्ली की सरकार 49 दिन में गंवा भी दी। कई क्षत्रप, चाहे वो शरद पवार रहे हों, ममता बनर्जी रही हों, मुलायम सिंह रहे हो, मायावती रही हो, जयललिता रही हो, चंद्रबाबू नायडू रहे हो, करुणानिधि रहे हो या फारूक अब्दुल्ला रहे हो, क्षेत्रीय नेताओं की एक पूरी जमात कहीं ना कहीं एक तरफ खिसक गई। मुकाबला इन तीनों के बीच आकर रुक गया और चर्चा में भी यही तीन रहे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। ठीक तरीके से देश को किस दिशा में ले जाना है,
किसने पेश किया वो मतदाता देख रहा है। हम इस पर बात न करते हुए हम बात अगर करें जिस तरह से आरोप लग रहे थे, खान साहब, जावेद खान साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप न सिर्फ मंत्री रहे हैं बल्कि आपने महाराष्ट्र के गली कूचों तक आप पहुंचे हैं, साथ ही साथ आप शिक्षक भी रहे हैं, आपने युवाओं के साइकोलॉजी को पढ़ा है, आपने देखा है युवा वर्ग जो बदलाव की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो युवा वर्ग सचमुच में बदलाव के लिए उतनी तेजी से उतर रहा है जितना वो सोशल मीडिया में बयानबाजियां कर रहा है, टीका टिप्पणियां कर रहा है, क्योंकि युवाओं के उस के पूरे तरह से अस्तित्व का सवाल है अब? नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो पढ़ रहा है या पढ़ चुका है पिछले 5-10 सालों में, वो आज दूसरी कोई चीज़ नहीं देखता, डेवलपमेंट के बारे में, अपनी सिक्योरिटी और अपने फ्यूचर के बारे में वो सोचता है, और सोचता है कि कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं, कर रहे हैं, उनका माजी और उनका वो क्या रहा है पास्ट, और कौन से लोग हैं जो किस तरह के वादे करते हैं और वो वादे पूरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जो नौजवान है उसको अब ये लग रहा है कि डेवलपमेंट के ऊपर हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, प्यार और मोहब्बत के साथ रह कर करके हम किस तरह से तरक्की करें, ये सोचता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं ये बात बहुत सच है, मैं ज़ाती तौर पर और ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि नौजवान आजकल ये देख रहा है कि कौन से लीडर हैं, कौन से कैंडिडेट हैं, कौन सी पार्टियां हैं, यानी वो परख रहा है, वो पुरानी मान्यताएं परंपराएं टूट रही हैं कि मेरी रगों में कांग्रेसी खून है, मेरी रगों में जनसंघ का खून है, वो उन चीजों से बाहर आ रहा है और तो भी उस तरह से वोट दे रहा है। ये बात सच है, इसके बावजूद उसको जो मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ, उसके जो भविष्य की बात करता हूँ और जहाँ अमन शांति और प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ, उसकी अपनी आज़ादी की बात करता हूँ, उसमें वो भी वो देखता है, वो सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। जी, बात करते हैं अरुण देव साहब, जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान इन पूरे इस शुरुआत हुई थी मुद्दों के आधार पर, भ्रष्टाचार, विकास, बदलाव, युवा कौन किस पर क्या होगा, सरकार ने क्या किया, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला और फिर मोदी की सरकारों का दंगा, ये वो, और सिमटते सिमटते चुनाव प्रचार इतने निचले स्तर पर आ गया कि एक दूसरे पर बड़ी ही भद्दी टिप्पणियां होने लगी, एक दूसरे की धर्म और उनके संप्रदाय पर टिप्पणियां की जाने लगी, उसमें गिरिराज सिंह रहे हो, मसूद रहे हो, शाजिया इल्मी रही हो, रामदास कदम ने भी अभी उसमें थोड़ी सी अपनी अपना ज्ञान उन्होंने भी दिया, इस तरह के जो भेदभावपूर्ण बयानात आए हैं लोगों के, वो कितने उचित हैं इस देश के लिए, सार्वभौमिक देश के लिए, जहां पर सभी लोग गंगा जमनी तहजीब के साथ जीते हैं? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। जैसे जावेद भाई ने कहा कि जो चुनाव है लोकसभा का, जैसे बहुत बार तो लोग अपने लोगों को ये पता नहीं कि ये लोकसभा का चुनाव है, वो तो महानगर पालिका की, असेंबली की, लेकिन बहुत से बार क्या हुआ है, जैसे जावेद भाई ने एक सच कहा, लेकिन जैसे मुंबई में 4-5 डिफरेंट ऑटोनोमस अथॉरिटीज है, जैसे एयरपोर्ट है, पोर्ट ट्रस्ट है, रेलवे है, तो महाराष्ट्र सरकार ने तो एसआरए किया। ये बड़ा मसला मुंबई और महाराष्ट्र के लिए हो जाता है, तो क्या लगता है कि अथॉरिटीज के आपस के आपस का टकराव भोगना पड़ता है, इसलिए मुंबई के वासियों को, लोगों के दृष्टि से क्या होता है, जो चुनाव उसके सामने आए उसमें उसका वो गुस्सा अपना निकालता है या फिर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। उसे क्या लगता है, जो आपने जो कहा ना, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार से अल्फाज, इस प्रकार की भाषा, इससे प्रजातंत्र के लिए सीटें जीती जाए, तो उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के अरुण देव जी परिवार का कोई एक सदस्य अगर नाराज चल रहा हो तो वो परिवार तितर बितर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भारत देश में रहने वाला तमाम संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग एक परिवार की तरह है, परिवार की तरह खुश होकर सरकार बना पाना थोड़ा मुश्किल भी है, और बना भी ली गई तो चला पाना ज्यादा मुश्किल होगा, ये हमें लगता है। अरुण देव जी, भाईजान की राय ले लेते हैं भाई, जिस तरह के बयानात हुए, अरुण देव जी भी इस बात को मानते हैं
कि इस तरह के बयानात किसी भी धर्म के नेताओं के मुंह से सुनना बड़ा ही लज्जाजनक है और इससे देश की छवि भी खराब होती है। क्या कहेंगे उन नेताओं के बयानात पर जिसमें सभी लोग शामिल रहे हैं, कोई छूट नहीं रहा है और इन पर अंकुश भी नहीं लगाया जा रहा है। अंकुश लग भी रहा है तो बड़ी ही सीमित दायरे में। मैंने देखिए जिस तरीके से चुनाव के टाइम में बयान हो रहे हो तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो हर इंसान देख रहा है समझ रहा है, मगर क्या है कहीं कहीं उसकाने का काम भी किया जा रहा है, मतलब एक ही तरफ से दोनों ही तरफ से। जी बिल्कुल दोनों तरफ से, मगर कुछ नाम मैंने गिना है, कुछ नाम जहन में नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिनका काम ही ये है कि किसी तरह से भी वैमनस्यता बढ़े। जोड़ने वाले कम होते हैं इस देश में, तोड़ने वालों की संख्या भले ही कम हो पर वो अक्सर सक्सेस हो जाते हैं, ये भी अपने आप में चिंता का विषय है। जी कैसा है कि जोड़ने की जहाँ तक बात है तो जोड़ने के लिए सभी समाज के वर्ग को लेकर चलने का काम करना पड़ता है। एक दूसरी बात, अगर चुनाव के माहौल में इस तरीके के बयान अगर कोई करते हैं तो उस पर बहुत बड़ा असर गिरता है और एक अलग अलग लोगों को बांटने का काम किया जाता है। यानी बांटना बहुत ही इतना आसान है क्या अमरजीत जी, इस तरह के बयानों से इस देश की साझा संस्कृति को बांट देना? इस तरह के बयान तो किसी भी राजनीतिक दल के नेता की तरफ से आ रहे हो, किसी भी सांप्रदायिक दल के नेता के मुख से निकल रहे हो, ये कितना सही है और क्या बांट पाएंगे? जिसको जिस भारत की परंपरा को मुगल और अंग्रेज नहीं बांट सके, उस गंगा जमनी तहजीब को मुझे नहीं लगता कि वो संतों की, फकीरों की, कबीर की परंपरा को कोई कोई यहाँ जाने पाएगी। एक ज़माने में कितनी शालीनता से एक बात बनारस के एक ऐसे ही राजनीतिक मंच पर, जावेद साहब को पता होगा, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, और उनके भूल से उनके मुंह से एक बड़े ही अदीब नेता थे उनके लिए निकल गया था स्वर्गीय, उनको अच्छी हिंदी बोलने के चक्कर में स्वर्गीय बोल गए थे, लेकिन उस नेता की जब बारी आई तो उसने कहा कि सरस्वती विहीन नेता, यानी इतनी शालीनता से उनको ये कह दिया था कि इनको ये पता नहीं कि स्वर्गीय का अर्थ क्या होता है। तो ये शालीनता कहीं अब खो गई है तो, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये जिस तरह से आज पूरे देश में उनका बहिष्कार हुआ है वैसे नेताओं का, चाहे जो भी जिस भी पार्टी के हो, और बड़े नेताओं के जो ओहदेदार थे, बड़े नेता थे, उन्होंने इस बात को अफसोस जाहिर किया कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक और साथ में आपको बात बता दूँ, जैसा आप बता रहे थे नवयुवकों की, नवयुवक बड़ी संख्या में इस बार भागीदार बन रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब हम लोग स्कूल कॉलेजों से निकलकर बड़े हुए और 22-25 साल तक हम लोग अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए थे मतदाता सूची में, पिता हमारे कई बार बोलते रहे और हम नहीं करा पाते थे, लेकिन आजकल नवयुवकों में मतदान के प्रति इतनी उत्सुकता बढ़ी है कि स्वयं जाकर 18 साल में स्वयं, हो सकता है कि ये जो मीडिया की क्रांति है उसके भी कारण, 18 साल की उम्र में स्वयं जाकर नाम लिखवाए। मुझे आज इस बात का बहुत दर्द हुआ कि बहुत से नाम जो नए लिखे गए थे 18 से 28 तक के बीच में, जो वास्तव में बच्चे मतदान करना चाहते थे, पहली बार मतदान करना चाहते थे, उनको बड़ी मन में खुशी भी थी, जब मतदान करने वहां पहुंचे तो उनका नाम नदारद था, नहीं था। मैंने ऐसे 2-3 बच्चों को रोते देखा जैसे उनके पास से किसी चीज़ को, उनका खिलौना छीन लिया गया हो, इस तरह के उनके मन में दुख था। मैं और एक बात आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे नेता अगर अपना फंड यूज नहीं करता तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, मंत्री अगर कोई गलत काम कर देता है तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, जिन लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए थे और उनके नाम अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं आए तो क्या, मुझे इस बात के लिए जानना चाहता हूं कि आखिर इसके लिए किसे जिम्मेदार, ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सी प्रणाली है, ऐसे कौन से अधिकार हैं, किसके पास हैं जो उन लोगों को कटघरे में खड़ा करें जिनके कारण वोट देने की एक जो देना चाहता हो और वो मतदान केंद्र तक जाए उसका नाम न, उसका नाम न हो और वो मताधिकार का प्रयोग न कर पाए, तो उसके लिए भी जिम्मेदारी तय करनी होगी और ऐसे लोगों को भी कटघरे में खड़ा करना होगा। हाजी इब्राहिम शेख साहब हमारे साथ है, जावेद खान साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमरजीत मिश्रा और अरुण देव साहब हैं। हम बात कर रहे थे चुनाव की, चुनाव में दूरियों को बढ़ाने की, दूरियों को घटाने की, जिस एक मोदी फैक्टर को बड़ा बनाकर पेश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिस रूप में लेकर गई थी भारतीय जनता पार्टी, क्या उसी रूप में मोदी ने उस लेवल को छुआ, जो मकाम बनाया था जिस
सोच के साथ उन्हें लाया गया था, क्या वहीं पर अपने आप को ले गए या उससे नीचे आए या उससे भी बेहतर तरीके से अपने आप को पेश कर पाए? अमरजीत भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं जी, और आने वाले दिनों में आप इसमें जो ये क्रांति देख रहे थे जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि नवयुवक बड़ी तेजी से 18 से 28 के बीच में जाकर स्वयं अपना नाम, उसमें एक मोदी का चरिश्मा भी था कि जो ये बात के लिए आज तक इस बात के लिए गांधी नेहरू परिवार को श्रेय दिया जाता रहा कि राजीव जी आए तो ये हुआ, इंदिरा जी आई तो ये हुआ। ये पहली दफा ऐसा हुआ जहाँ गांधी नेहरू परिवार का जिक्र नहीं हो रहा है कि नए मतदाताओं को आकर्षित करने का काम किसी ने किया है। इब्राहिम शेख साहब आप फिर बोल लीजिएगा, आपका अभी नंबर आएगा, बिल्कुल आप दीजिएगा, आप बहुत बेताब ना हो, बिल्कुल आप बोलिएगा। मैं ये आप देखिएगा, ये सूचना क्रांति का पर्व है, ये सूचना क्रांति के उसमें ही जो नए मतदाता थे ये पूरी तौर पे आए थे। मतदाता रोता कब है? मतदाता रोता जब है जब उसको लगता है कि मैं किसी को मतदान करने वाला हूं और नहीं कर पाता हूं तो रोता है। ऐसे तो इस बार, इसलिए लगता है गांधी फैक्टर कितना काम कर रहा है इब्राहिम भाईजान, जिसका जिक्र कर रहे हैं अमरजीत जी कि वो मोदी फैक्टर काम कर रहा है युवाओं में। देखो सलमान, में पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको जी कि जहां गांधी परिवार की बात कर रहे हैं तो मैं तो इनको अच्छी तरीके से ये चीज को बता दूं कि नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने जो हिंदुस्तान का विकास किया, 126 साल की पार्टी जिसने हिंदुस्तान को उन्नति की ओर ले गई, एक दूसरे देश के लिए अपनी जान गंवाई, हिंदुस्तान को बंटवारा नहीं होने दिया। ये जो विकास की बात कर रहे हैं राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी जी ने ही ये फैक्टर लाया पूरा स्कीम, ये मोबाइल कंप्यूटर ही जो लेके हम बैठ रहे हैं, देख रहे हैं और हम कर रहे हैं इस पे काम, ये राहुल गांधी, राजीव गांधी जी की देन है। और राजीव गांधी जी ने अपनी जान देश के लिए गंवाई, देश के विकास के लिए, देश के एकता के लिए। और ये जो कह रहे हैं मोती की जो हवा चल रही है, मगर मैं तो पहले ये बोलना चाहता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है, ये टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मोती की सरकार आने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी को बाजू में कर दिया मोदी जी ने। मोदी जैसे हम आज भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार पूरे हिंदुस्तान में आएंगी, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से एतराज नहीं है कि मोदी सरकार आए। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए जी, जी अरुण जी आप कुछ कह रहे हैं कि मोदी की सरकार। मित्रों मुझे क्या लगता है कि भाईजान जो कह रहे हैं ना कि सचमुच 136 साल की पुरानी पार्टी है, पार्टी का इतिहास भी है, आजादी से भी जुड़ा है, लेकिन भाईजान ये भी बोलते हैं कि जिन्होंने डिक्टेटरशिप लाई, इमरजेंसी लाई, यही पार्टी है। अरे इमरजेंसी का समर्थन आज भी कर रहे हैं, बड़ी बात है, खेत की बात है, लोकशाही का सबसे बड़ा उत्सव है, उसमें आप बोलते हैं कि पार्टी पार्टी पर आई तो ला सकते। आपको बताता चलूं कि देश के ऊपर दूसरा संकट आता है, दूसरा राजीव गांधी ने जो क्रांति लाई, क्रांति लाई, लेकिन लास्ट यूपी के 10 सालों में किन लोगों ने लाया? कांग्रेस के लोगों ने क्रांति लाई, गांधी जी ने अपनी जान गमाई। अरे 2G का स्कैम भी आपके इसमें हुआ ना, 2G का स्कैम हुआ, सीडी का स्कैम हुआ, कोयला घोटाला हुआ, ये इससे भी लोग परेशान हैं। गांधी का क्यों नहीं जिक्र करते? राजीव गांधी का, मरहूम राजीव गांधी का जिक्र होता है, राहुल गांधी का जिक्र क्यों नहीं करते? राहुल गांधी के योगदान की चर्चा क्यों नहीं करते? मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर, 10 साल के स्कैम भी मनमोहन सिंह जो निकलकर बात नहीं कर रहे हैं अपने महाराष्ट्र में आदर्श, 10 साल में क्या क्या आदर्श भाईजान को बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? समय अभाव है, हमारे पास समय का अभाव है, उत्तर दे रहे हैं, समय अभाव है। एक बात अमरजीत भाई की, ये पहला चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री के समर्थन में कहीं कोई तेज आवाज नहीं है। बुक लिखे गए उनके खिलाफ, चीज मोदी है, या तो मोदी का समर्थन है या मोदी का विरोध है। केजरीवाल के रूप में एक नई धारा बही, केजरीवाल कहीं हाशिए पर है, कहीं चर्चा में है, राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम चर्चा में है, कहीं उन पर आरोप हैं और कहीं उनसे उम्मीदें हैं। खान साहब, चलते चलते, चूंकि आप हम सबके बुजुर्ग हैं, चलते चलते क्या लग रहा है
ये देश किस तरफ जा रहा है, अगर आप बहुत संक्षेप में कहना चाहें, देश जा कहाँ रहा है, देश का मतदाता सोच क्या रहा है और चाहता क्या है? चुनाव होंगे 16 मई को, नतीजे भी आ जाएंगे, सरकार का बनना किसी न किसी का तय है, पर देश कहाँ जा रहा है? देश तो अपने रास्ते पर रमा दमा तरक्की के साथ आगे जाएगा जी। इलेक्शन के माहौल में बीजेपी पार्टी आमतौर पर कुछ इस तरह से पब्लिसिटी करती है और कोई बात सच नहीं हो तो भी इतनी बार बोलती है, इतनी बार बोलती है कि लोगों को सच लगने लगता है। वो थियरी भी है कि एक बात को 100 बार बोलिए कितनी भी खराब हो तो। यानी हम अभी हम तो, ये मानकर चले कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, बेहतर कल की उम्मीद में, चूंकि समय कम है, हम कार्यक्रम को समेटना भी है। अरुण देव जी आपका, खाल साहब आपका, इब्राहिम शेख साहब आपका भी, अमरजीत मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते मैं अपने चारों अतिथियों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, अभी भी 4 बजे हैं, जितने मतदार आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, आप खुद आपके अपने जितने निकटस्थ हैं उन्हें सचेत करें, उन्हें सजग करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें मतदान केंद्रों तक ले जाएं। हमने किया है मतदान, आप भी करें मतदान ज़रूर। अभी भी आपके पास 2 घंटे हैं, 6 बजे तक का वक्त है, आप कतार में रहेंगे तो शायद 7-7.5 बजे तक भी आप वोट दे पाएंगे, जैसा जावेद खान साहब कह रहे हैं, तो ज़रूर वोट करें। आप लोग आए, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरकारें बनती बिगड़ते रहेंगी, लोगों के दिल जुड़े रहें, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सलमान को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।